हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज लोकेश आलोने और आज का मेरा लेक्चर है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए पर। तो आज हम देखेंगे कि लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए क्या होते हैं और ये कैसे प्रोसेस करते हैं। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए इसके नाम से ही प्रेजेंट है। लॉन्ग मीन्स ये 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। एंड नॉन कोडिंग मीन्स क्या करते हैं, कोई प्रोटीन को कोड नहीं करते, किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते। तो अगर हम सिंपली भाषा में अगर बोले इसको, तो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए आर 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग एंड दे डू नॉट कोड एनी प्रोटीन, वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। तो आप इसके नाम से समझ गए होगी लॉन्ग नॉन कोडिंग आ रही है। एक प्रकार के क्या होते हैं, कुछ टाइप के लॉन्ग नॉन कोडिंग आ रही है, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करना या फिर एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, बट ये कॉम्प्लेक्स को, किसी भी रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। और मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या करते हैं, ये किसी भी प्रोसेस को एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन करने का काम करते हैं। अगर हम इसको सिंपली भाषा में अगर बोले, तो ये किसी भी प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए जो होते हैं, ये 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। आफ्टर ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, कोड नहीं करेंगे। और ये क्या करते हैं, किसी मतलब किसी प्रोसेस को, हम इसी बात करें, प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ गई होगी, प्रोसेस के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो पढ़ते हैं अपन रिप्रेसिव कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, एक प्रकार का रिप्रेसिव कॉम्प्लेक्स है ना। और मेनी किलो बेस पेयर्स का होता है, कुछ किलो बेस पेयर्स का होता है, मतलब इसका मॉलिकुलर वेट्स की बात कर रहे हैं हम। और डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ मल्टीपल रिप्रेसिंग प्रोटीन्स बाउंड टू द आरएनए। और ये बहुत से रिप्रेसिंग प्रोटीन्स से बाइंड करता है। लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए का एक ऐसा फंक्शन होता है कि ये किसी भी को रिप्रेसर या को एक्टिवेटर को रिक्रूट करता है फॉर बाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ दिस एंजाइम्स, प्रोसेसिंग ऑफ दिस आरएनए। ये आरएनए की प्रोसेसिंग के लिए एक प्रोटीन जो को रिप्रेसर की तरह एक्ट करते हैं या को एक्टिवेटर की तरह एक्ट करते हैं। लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए मेनली रिप्रेसर की तरह ही एक्ट नहीं करता है, ये कभी कभार क्या करता है, एक्टिवेशन के लिए भी यूजफुल होता है। ये चीज हम आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनर में। तो मैंने आपको सिंपली भाषा में इसकी डेफिनेशन समझाई कि लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए क्या होता है, 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं एंड ये किसी भी कॉम्प्लेक्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं या फिर किसी प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ दिस रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स में मॉडिफिकेशन करते हैं। और मॉडिफिकेशन जो होता है रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स में, ये किसकी हेल्प से करते हैं, प्रोटीन्स की हेल्प से करते हैं, है ना, जिससे बाइंड होते हैं। किलो बेस पेयर दैट डू नॉट कंटेन लॉन्ग ओपन रीडिंग फ्रेम, और ये कोई ओपन रीडिंग फ्रेम को कंटेन नहीं करते। ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होती है, ओपन रीडिंग फ्रेम वो फ्रेम होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन का स्टार्टिंग होती है, फिर हम प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होता है ओपन रीडिंग फ्रेम पे। और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, सीपीजी एलिमेंट मतलब क्या होता है, जहाँ पर प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होता है और इसी प्रमोटर रीजन से रेगुलेटिंग होती है सारी प्रोसेस। तो ये रेगुलेटिंग जो प्रोसेस होती है सीपीजी आइलैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, सीपीजी आइलैंड, जहाँ पर सारी जो भी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है फॉर द एक्टिवेशन एंड रिप्रेशन ऑफ द प्रोसेस के, तो ये सीपीजी आइलैंड को रेगुलेट करने का काम करता है ना। तो इसमें ओपन रीडिंग फ्रेम प्रेजेंट नहीं होती है। एंड देन लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए एंड इन द फॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंड फॉर्म में होता है, मैंने आपको ये चीज अभी क्लियर करी। एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस बाय मॉडिफिकेशन ऑफ रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बताई कि ये रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स की हेल्प से किसी भी प्रोसेस का रेगुलेशन करते हैं। तो आपको सिंपली वर्ड में सारी चीजें समझ में आ गई होगी इसकी डेफिनेशन को। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए डायरेक्ट एपिजेनेटिक रिप्रेशन इन द मेटाजोन्स। अब एपिजेनेटिक रिप्रेशन मीन्स क्या होता है, एपिजेनेटिक रिप्रेशन, रिप्रेशन मंस क्या हो रहा है, कहीं ना कोई प्रोसेस को रिप्रेस कर रहा है।
तो ये प्रोसेस को रिप्रेशन जो होता है ये कैसे हो रहा है? अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस का रिप्रेशन कैसे हो रहा है तो मैं ये सारी चीज़ें आपको आगे समझाऊंगा। अपन ये चीज़ पढ़ते हैं पहले तो। इन सम केसेस द लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिप्रेस जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम फ्रॉम विच आरएनए इज ट्रांसक्राइब एंड दिस केस एज क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इन द फीमेल मेमल्स। अब हमने लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए की बात कर ली। अब लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए जो होते हैं, कोडिंग आरएनए ये क्या है? ये तो पहली बात तो मैंने ये चीज़ बताई आपको कि ये रिप्रेशन का भी काम कर रहे हैं और एक्टिवेशन का भी काम कर रहे हैं। अब रिप्रेशन का काम कर रहे हैं, एक्टिवेशन का काम कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के। अब एग्जाम्पल की बात कभी मैं करूँ तो इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे सिक्स एक्टिवेटिंग आरएनए, ट्रांस एक्टिवेटिंग आरएनए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने से पहले मैं आपको इपीजेनेटिक रेगुलेशन क्या होता है, जिसकी बात मैंने आपको यहाँ पर करी, तो ये क्या होता है? तो इपीजेनेटिक रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो इपीजेनेटिक रेगुलेशन क्या होता है? इपीजेनेटिक कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रिफर टू रिप्रेशन एंड एक्टिवेशन दैट इज मेंटेन आफ्टर सेल रेप्लिकेट एंड रिजल्ट ऑफ द डीएनए मिथाइलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द हिस्टोन्स एंड दिस हिस्टोन मिथाइलेशन। अब अगर कभी मैं आपको इस टाइप से बात करूं कि ये एपिजेनेटिक रेगुलेशन क्या होता है, तो रिप्रेशन की बात करूं तो इस टाइप से जो डीएनए हमारे पास प्रेजेंट होता है हिस्टोन से बाइंडेड, जैसे हमारे पास डीएनए का फॉर्मेशन होता है डीएनए पॉलीमराइजेशन से, तो ये डीएनए आफ्टर जब सेल सेल की प्रोसेस होती है, जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे डीएनए का कॉम्पेक्शन होता है, डीएनए कॉम्पेक्शन होता है। और ये डीएनए का कॉम्पेक्शन कैसे होता है? इसको हिस्टोन प्रोटीन जो होता है डीएनए से आकर बाइंड कर जाता है और इसकी कॉम्पेक्शन को स्टेबल करने का काम करता है ये हिस्टोन प्रोटीन से। और इस टाइप से डीएनए जो होता है, ये मैं अगर ऐसा बात करूँ तो इस टाइप से डीएनए जो होता है इससे राउंडली बाइंड होता है ना। और ये हाईली और जाकर कॉम्पेक्शन करते हैं, इस टाइप से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो ये कॉम्पेक्शन की प्रोसेस जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ईपी जेनेटिक रेगुलेशन। ईपी जेनेटिक रेगुलेशन मीन्स क्या? कि कॉम्पेक्शन हो गया तो यहाँ पर जो भी डीएनए का सीक्वेंस जो है ये ओपन नहीं हुए, मतलब ओपन नहीं, यहाँ पर कोई प्रमोटर आकर, सॉरी प्रमोटर बोला, डीएनए पॉलीमरेज आकर या फिर कोई भी जो एक्टिवेटिंग एंजाइम से यहाँ पर आकर बाइंड नहीं कर सकता है। क्यों बाइंड नहीं कर सकता? क्योंकि ये डीएनए जो जो डीएनए हमारे पास ये हिस्टोन प्रोटीन से रैप्ड है। अब रैप होने के कारण क्या होता है? जैसे कि ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है और इससे हमारे पास ये डीएनए इस टाइप से रैप्ड है ना। अब रैप होने के कारण क्या है? इसका जो लोअर पार्ट है ये एक्टिवेटिंग पार्ट है, किसी जीन का एक्टिवेटिंग प्रमोटर है। तो इस प्रमोटर को बाइंड करने के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज है या डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास आकर बाइंड करता है तो यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये डीएनए के लोअर साइड पर प्रेजेंट है और ये लोअर साइड जो है ये हिस्टोन प्रोटीन से बाइंडेड है, इस टाइप से ये हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड है लोअर साइड पर, तो यहाँ आकर बाइंड नहीं कर सकता हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज। तो इसकी बाइंडिंग के लिए क्या होता है कि इस जो भी हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन का रिलीज रिलीज कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। जैसे ही हमारे पास, जब तक हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन का रिलीज नहीं होगा यार, तो तब तक हमारे पास डीएनए इस रिलैक्स फॉर्म में नहीं आएगा। और जब तक इस रिलैक्स फॉर्म में नहीं आएगा तो यहाँ पर कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम या एक्टिवेटिंग एंजाइम आकर यहाँ पर बाइंड नहीं कर सकता, और यह बाइंड नहीं करेगा तो ये प्रोसेस इनएक्टिवेट रहेगी। समझ में आ गया होगा आपको, मैंने एक बेसिक प्रोसेस आपको ये सारी चीजें समझाई। तो इपीजेनेटिक रेगुलेशन मीन्स क्या होता है? रिप्रेशन करना। और ये रिप्रेशन कैसे होता है कि जो हमारे पास हिस्टोन की टेल्स होती है, मैं हिस्टोन प्रोटीन का अगर आपको मेनली अगर डायग्राम बताऊँ तो हिस्टोन प्रोटीन इस टाइप से राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और इसमें एक टेल प्रेजेंट होती है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? एंड टर्मिनल टेल। ये एंड टर्मिनल टेल पर ही क्या होता है? मॉडिफिकेशन होते हैं। मॉडिफिकेशन मीन्स के जैसे कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन मीन्स एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन मिथाइलेशन और डिफरेंट प्रोसेस होती है, जैसे कि यहाँ पर डी एसिटाइलेशन। ये सारी प्रोसेस जो मैं एक चार्ट के द्वारा आपको बताऊंगा,
ये सारी प्रोसेस जो होती है यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है एंड टर्मिनल टेल पर, और इसी मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या होता है, डीएनए का रिलैक्सेशन होगा या तो फिर कॉम्पेक्शन होगा। इस टाइप से हमारे पास डीएनए इसके ऊपर बाइंडेड होता है, ये इस टाइप से डीएनए हमारे पास ऐसा रैप्ड होता है ना। और इस डीएनए रैप के कारण क्या होता है, जैसे कि ये उसका लोअर पार्ट है, इस डीएनए का हमारे पास ऐसा लोअर पार्ट है, या अगर मैं इसको जूम करके बताऊँ तो ये डीएनए है, ये डीएनए है, और ये डीएनए का हाल ये लोअर पार्ट जो कि एक प्रकार का सीपीजी एलिमेंट है। सीपीजी एलिमेंट मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रमोटर साइट होती है, ये क्या है, सीपीजी एलिमेंट है। सीपीजी एलिमेंट मतलब क्या होता है, प्रमोटर बाइंडिंग साइट है ना, प्रमोटर बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पर सारे एक्टिवेटिंग एंजाइम आकर बाइंड करते हैं या फिर किसी प्रोसेस का इनिशिएशन करते हैं, इनिशिएशन सीक्वेंस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीपीजी एलिमेंट्स है ना। तो ये सीपीजी एलिमेंट जो होता है इसके नीचे बाइंडेड है हिस्टोन प्रोटीन से, तो यहाँ पर कोई भी डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड नहीं कर सकता या फिर कोई भी एक्टिवेटिंग एंजाइम आकर बाइंड नहीं कर सकता। तो इसकी बाइंडिंग के लिए क्या होता है, इस डीएनए को इस हिस्टोन प्रोटीन से रिलीज कराना होता है, और इसके डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन से रिलीज कराना है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिवेशन है ना। मैं यहाँ पर अच्छे से बताऊँ, डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन से क्या कराना, रिलीज कराना, क्या होता है, एक्टिवेशन, और डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन से, और अगर नेक्स्ट हम बात करें डीएनए को जो हिस्टोन प्रोटीन से अगर हम बाइंड कराएंगे तो इससे क्या होगा, रिप्रेशन, और रिप्रेशन, और इस रिप्रेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ईपी जेनेटिक रेगुलेशन। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन से जो डीएनए को हम बाइंड करवा रहे हैं, तो ये डीएनए बाइंड होके ऐसा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है ना, ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, और ये बहुत ही हाईली कॉम्पैक्टेड होता है। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जैसे सेल डिवीज़न होता है, तो सेल डिवीज़न के टाइम पे ये पूरा क्रोमोसोम जो होता है ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र होता है उसके प्रोजेनिस में, सेल्स की प्रोजेनिस में है ना, सेल्स की प्रोजेनिस में, मतलब सेल जब डिवाइड होती है तो जो सेल दूसरी सेल में डिवाइड होती है दो सेल्स में, तो ये सेल्स में जो क्रोमोसोम का पूरा पार्ट कॉपी ट्रांसफ़र होती है, तो ये कॉपी ट्रांसफ़र होते टाइम कि इसके जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है इसको डिग्रेड ना कर पाए, इसलिए स्टोन से बाइंड होकर स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है डीएनए की। और जैसे ही हमारे कोई भी जीन्स का एक्टिवेशन कराना होता है तो ये हिस्टोन से रिलैक्सेशन होता है, और इस रिलैक्सेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जैसे एंड टर्मिनल पर जो भी मॉडिफिकेशन मैंने बताया है आपको, ये जो भी रिलैक्सेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रीमॉडलिंग प्रोसेस, याद रखना। और रीमॉडलिंग में भी एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और डीएसिटाइलेशन, ये किस तो मतलब एंड टर्मिनल टेल पर भी कौन से एमिनो एसिड्स पर प्रेजेंट होते हैं, कौन से नंबर के एमिनो एसिड्स पर प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे क्लियर करूँगा है ना। तो चलो, ये मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एपिजेनेटिक रेगुलेशन क्या होता है या तो एक्टिवेशन क्या होता है ना। और अगर आपको सिंपल भाषा में पूरा डायग्रामेटिकली समझाओ तो डायग्राम भी है मेरे पास, जैसे कि रिप्रेशन, अगर मैं रिप्रेशन की बात करूँ तो इस एंड टर्मिनल टेल जो हिस्टोन की हमारे पास एंड टर्मिनल टेल है, ये हमारे पास डीएनए है इस टाइप से है ना, ये डीएनए है। तो ये डीएनए जो होता है हिस्टोन से बाइंड होकर क्या करता है, हिस्टोन से बाइंड होकर, हिस्टोन की ये क्या है, एंड टर्मिनल टेल, और इसी पर क्या होता है, इसी पर क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। और मॉडिफिकेशन भी कौन कौन से होते हैं, मॉडिफिकेशन जो होते हैं हमारे पास, ये कुछ प्रोटीन्स इसके लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि SIR2 प्रोटीन, SIR3 प्रोटीन या SIR4 प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये मिथाइलेशन करते हैं या तो फिर मिथाइलेशन कराते हैं, मिथाइलेशन या तो डी एसिटाइलेशन कराते हैं है ना। ये क्या करा रहे हैं हमारे पास, ये प्रोटीन डी एसिटाइलेशन, या फिर हम इसको बोलते हैं हाइपो एसिटाइलेशन हिस्टोन टर्मिनल का। अब जैसे ही हमारे पास कोई एसिटाइलेटेड प्रोटीन यहाँ पर बाइंड होता है, जैसे SIR2, SIR3, SIR4 ये प्रोटीन अगर बाइंड होते हैं, तो ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये प्रोटीन हाइपो एसिटाइलेशन करते हैं या तो फिर डी एसिटाइलेशन करते हैं, जहाँ पर एसिटाइल एसिटाइलेशन हुआ है, एसिटाइल यूनिट जहाँ पर बाइंड है इसको ऐसा हटाने का काम करते हैं।
अब जैसे ही हमारे पास एसिटाइल यूनिट हटती है, एसिटाइलेशन क्या होता है, जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन की इंटरमिनल टेल, और इसके ऊपर इस टाइप से सा डीएनए, इस टाइप से डीएनए जो है ये व्रेप्ड है ना, इस टाइप से डीएनए व्रेप्ड है। अब इसके ऊपर क्या है, एसिटाइलेशन हुआ है। अब ये एसिटाइलेशन क्या करता है, दूसरे हिस्टोन प्रोटीन से रिपल्शन का काम कराता है। ये एसिटाइल यूनिट के ऊपर जो होती है एक चार्ज प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है हमारे पास हिस्टोन पे, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये एसिटाइलेशन जैसे ही होता है हमारे पास, तो एसिटाइलेशन से के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दूसरे हिस्टोन के पॉजिटिव चार्ज को रिपल करते हैं, रिपल्शन करते हैं। और एक दूसरे के रिपल्शन से क्या होता है, डीएनए जो होता है ओपन ओपन फॉर्म में या रिलैक्स फॉर्म में आते जाता है ना, हिस्टोन का रिलैक्सेशन होते जाता है। और जैसे ही अगर हमने ये CII/4 प्रोटीन आकर जैसे ही बाइंड करते हैं, तो ये इस एसिटाइलेशन को हटाने का काम करते हैं। जैसे ही एसिटाइलेशन हटता है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद में कॉम्पैक्ट नेचर बनाते हैं। कौन सा नेचर बना रहे हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इसी कॉम्पेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, इपी जेनेटिक जेनेटिक रेगुलेशन। और इस रेगुलेशन से क्या होता है, जो भी साइट्स जहाँ पर डीएनए क्या प्रमोटर बाइंडिंग साइट्स है, जहाँ वहाँ पर कोई भी प्रमोटर या एक्टिवेटिंग एलिमेंट जाकर बाइंड नहीं कर पाएगा। और बाइंड नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके नीचे ये क्या है, धस गई है, मतलब एक प्रकार के इसके नीचे है सारी साइट्स। तो ये साइट्स को ओपन नहीं है, इसके कारण यहाँ पर कोई भी एक्टिवेटिंग एलिमेंट आकर बाइंड नहीं कर पाएगा। अब कोई एक्टिवेटिंग एलिमेंट आकर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो कोई भी प्रोसेस यहाँ पर प्रोसेस प्रोसीड नहीं होगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेशन। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एपिजेनेटिक रेगुलेशन। अब हम बात करें कभी एक्टिवेशन की, तो एक्टिवेशन क्या होता है, अगर बात को एक्टिवेशन की, तो जैसे ही हमारे पास ये इस टाइप का हमने पीछे पढ़ा एपिजेनेटिक रेगुलेशन है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि हमने ये पढ़ा एपिजेनेटिक रेगुलेशन है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइट्स जो है विजिबल नहीं है, और विजिबल नहीं है तो यहाँ पर कोई भी एक्टिवेटिंग प्रोटीन आकर बाइंड नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करें, इसमें एसिटाइलेशन होता है। अब एसिटाइलेशन करने के लिए कौन कौन से प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो होते हैं GCN4 प्रोटीन और PKF प्रोटीन, GCN4, ये सारे प्रोटीन, और कौन से होते हैं ये सारी चीज़ें। और अगर हम बात करें पीछे वाले, अगर मैं बात करूँ जैसे हमने पीछे पढ़ा, इसके लिए कौन कौन से और प्रोटीन रिक्वायरमेंट होते हैं, और मिथाइलेशन के लिए भी होता है, मिथाइलेशन के लिए भी कौन कौन से प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं, इसके लिए हमारे पास प्रोटीन रिक्वायर्ड होते हैं PSD प्रोटीन रिक्वायर होता है, और CHD, सॉरी PSD नहीं होता है, CHD प्रोटीन होता है, CHD होता है, और क्रोमोडोमेन, ये CHD का एक क्रोमोडोमेन होता है। इसके ऊपर ही, मैं आपको अगर सिंपल भाषा में बताऊँ कि रीमॉडलिंग भी कैसे होती है, तो रीमॉडलिंग में क्या होता है कि स्टोन है, स्टोन की एन टर्मिनल टेल है। अब इस एन टर्मिनल टेल पर सबसे फर्स्ट कौन सा प्रोटीन आकर बाइंड करता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ रिप्रेशन की, मैं दोनों की चीज़ आपको बताऊँगा, रिप्रेशन और एक्टिवेशन है ना, रिप्रेशन और एक्टिवेशन। अब रिप्रेशन के लिए कौन सा प्रोटीन आकर बाइंड करता है, CHD प्रोटीन। अब मैं CHD प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ इस टाइप से, है ना। अब इसके अंदर भी इस टाइप से एक साइट है, और इस साइट को हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमो डोमेन साइट है ना, ये क्रोमो डोमेन है। ये डोमेन क्या करता है, इस एन टर्मिनल को रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद में क्या करता है, ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है। जैसे ही हमारे पास CHD डोमेन आकर यहाँ बाइंड करता है, ये एन टर्मिनल टेल है, इसके ऊपर हमारे पास CHD डोमेन आकर बाइंड कर गया, तो ये जो क्रोमोडोमेन है, ये क्रोमोडोमेन क्या करता है, ट्राई मिथाइलेशन 3-मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, किसके ऊपर, इस टेल के ऊपर। जैसे ही इस टेल पे मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है, तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इपीजेनेटिक रेगुलेशन का काम करता है, इपीजेनेटिक रेगुलेशन क्या होता है, मैंने आपको पीछे समझाया है, यहाँ पर कॉम्पेक्शन होगा,
कॉम्पेक्शन होगा। कॉम्पेक्शन कैसे होगा कि कॉम्पेक्शन के कारण क्या होता है, स्टोन जो होता है ये स्टोन आपस में जुड़ जाएंगे इस टाइप से, इस पर डीएनए इस टाइप से रैप्ड है और ये आपस में जुड़ जाएंगे। सॉरी आपको इधर दिखा नहीं, तो ये जैसे ही हमारे पास कॉम्पेक्शन कैसे होता है, कॉम्पेक्शन यहाँ पर डीए स्टोन प्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं, इसके ऊपर इस टाइप से डीएनए रैप्ड है ना। और ये रैपिंग के कारण क्या होता है, यहाँ पर कोई भी जो एक्टिवेटिंग एलिमेंट्स है, एक्टिवेटिंग जो सीक्वेंस है हमारे पास, ये शो ऑफ नहीं होंगी, विजिबल नहीं होंगी किसको, जो भी एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स है। तो एक्टिवेटिंग प्रोटीन यहाँ पर आकर बाइंड नहीं कर सकते, और जैसे हमारे पास कोई एक्टिवेटिंग प्रोटीन यहाँ आकर बाइंड नहीं करेगा तो ये प्रोसेस, सारी प्रोसेस रिप्रेस्ड हो जाएगी। अब हम बात करें किसकी, एक्टिवेशन की, तो एक्टिवेशन के लिए कौन कौन से प्रोटीन आ करता है, जी सी एन फोर और पी के एफ प्रोटीन, ये क्या करते हैं, एसिटाइलेशन कराते हैं। अब एसिटाइलेशन कराने के लिए इनके पास कौन सी डोमेन होती है, इसको बोलते हैं हम ब्रोमो डोमेन, और ये ब्रोमो डोमेन ही एसिटाइलेशन कराने का काम करता है किसी भी स्टोन टेल पर। ये स्टोन टेल है और ये हमारे पास प्रोटीन है इसके ऊपर, और ये जो है ब्रोमो डोमेन है, और ये क्या करती है, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कराने करती है। अब जैसे ही हमारे पास एसिटाइल ग्रुप होता है तो उसके पास चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ये चार्ज जो होते हैं ये सिंपल एक दूसरे का रिपल्शन कराते हैं, और फिर हमारे पास डीएनए का स्टोन से रिलैक्सेशन होता है ना। और इस रिलैक्सेशन के कारण हमारा जो सीपीजे आइलैंड है, सीपीजे आइलैंड शो विजिबल होते हैं, और विजिबल होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर कोई भी एक्टिवेटिंग प्रोटीन आकर प्रमोटर साइट पर बाइंड करते हैं, प्रमोटर साइट पर बाइंड करते हैं, और ये प्रमोटर साइट पर जैसे बाइंड करते हैं तो यहाँ पर प्रोसेस प्रोसीड होती है, सारी प्रोसीड होती है ना। तो आपको ये सारी चीज़ समझ गई होगी। तो एपिजेनेटिक रेगुलेशन क्या होता है, जैसे हमारे पास डिप्रेशन देखा हमने, अब एक्टिवेशन की बात करें तो एक्टिवेशन में भी हमारे पास कोई प्रोटीन्स अगर बाइंड करते हैं, और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन का काम करते हैं, इस टाइप से रिलैक्सेशन का काम करते हैं। और जैसे ही हमारे पास रिलैक्स होता है प्रोटीन, तो यहाँ स्टोन प्रोटीन जो होते हैं निकल जाते हैं, और निकलने के बाद में यहाँ पर एक जो भी पॉलीमरेज एंजाइम, एक्टिवेटिंग एंजाइम जो है आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज सेकेंड, ये बाइंड करता है, या फिर उसके बाद में इसके सेकेंड के सारी सब यूनिट्स बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन कराती है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एपिजेनेटिक रेगुलेशन क्या होता है ना। ये मैंने सारी शॉर्ट में प्रोसेस आपको बताई, ये अगर मैं इनके साइट्स की बात करूँ तो जो क्रोमोडोमेन और ब्रोमोडोमेन जो है, अगर हम एसिटाइलेशन की बात करें तो एसिटाइलेशन में क्या होता है, कौन कराता है, ब्रोमो डोमेन, किसकी, कौन कौन से प्रोटीन का, GCN4 PKF है ना। अब हम बात करें किसके वाली, मिथाइलेशन की, इस सेरीन में भी हमारे पास ब्रोमोडोमेन होता है, जहाँ जहाँ पर एक्टिवेशन होगा वहाँ पर ब्रोमोडोमेन प्रेजेंट होगा, और जहाँ जहाँ पर इनहिबिशन होगा वहाँ पर क्या होगा, क्रोमोडोमेन प्रेजेंट होगा है ना। यही क्या कराता है, मिथाइलेशन करा रहा है या एसिटाइलेशन करा रहा है। तो एसिटाइलेशन की अगर हम बात करें तो एसिटाइलेशन लाइसिन रेसिड्यूज पर होता है, जब हिस्टोन H3 प्रोटीन के लाइसिन 9 पोजीशन पर एसिटाइलेशन हो रहा है, या लाइसिन 14, 18, 27, 56 इन प्रोटीन, इन नंबर्स के अगर एमिनो एसिड्स पर, लाइसिन एसिड पर, एमिनो एसिड पर अगर एसिटाइलेशन हो रहा है तो वह एक्टिवेशन होता है ना। और एसिटाइलेशन कौन कौन से प्रोटीन, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन पर होता है, H3 पर भी हो रहा है, H4 पर भी हो रहा है, H2A पर भी हो रहा है, H2B पर भी हो रहा है, चारों पर एसिटाइलेशन होता है। हाइपो एसिटाइलेशन जो रिप्रेशन को कोट करता है, क्योंकि हाइपो मीन्स अपसेंट, एसिटाइलेशन अपसेंट है ना। फॉस्फोराइलेशन भी एक्टिवेशन का काम करा रहा है, तो फॉस्फोराइलेशन मेनली H4 में फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है ना, याद रखना। मिथाइलेशन की बात करें तो मिथाइलेशन भी हमारे पास किस पे होता है, ओनली H3 और H4 पर होता है ना। मिथाइलेशन कभी भी H2A और H2B के ऊपर नहीं होता है। H2A और H2B जो होता है डाइमर फॉर्म में बाइंड करते हैं है ना, और अगर हम बात करें H3H4 की तो ये टेट्रामर फॉर्म में बाइंड करते हैं, टेट्रामर फॉर्म में, टेट्रामर फॉर्म, डाइमर फॉर्म कैसे, जैसे मैंने बताया हिस्टोन प्रोटीन ऐसा बाइंड करता है, तो हिस्टोन भी जो है 8 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, कितनी, 8 सब यूनिट से। इसमें कि क्या होता है, H3 एंड H4 ये जो होते हैं टेट्रामर बाइंड करते हैं,
और H2A प्लस H2B, ये कैसे बाइंड करते हैं? डाइमर फॉर्म में बाइंड करते हैं। और अब हम बात करें इनके टेल की, अगर हम इस टेल की स्टडी करना होता है तो टायरोसिन प्रोटीन जो होता है, टायरोसिन टायरोसिन एंजाइम जो होता है, ये इसको क्लीवेज करने का काम करता है। इसको क्लीवेज करके हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम इसको क्या करते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इसके ऊपर क्या एसिटाइलेशन हुआ है या मिथाइलेशन हुआ है। तो मैंने बात करी कि मिथाइलेशन हमेशा H3O H4 पे हो रहा है, और फॉस्फोराइलेशन में जो होता है H4 प्रोटीन अब्सेंट है ना, एस्टोन का प्रोटीन। और हम बात करें यूबीक्यूटेनाइलेशन की, तो यूबीक्यूटेनाइलेशन भी हमारे पास एस्टोन H2A और H2B पर हो रहा है, यहाँ पर H3 और H4 अब्सेंट है ना यूबीक्यूटेनाइलेशन। तो ये चार्ट को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस चार्ट को अच्छे से पढ़ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, मेनली स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं CSR नेट के, जो कि पार्ट सी में प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब हम बात करें लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए की, तो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए भी एक प्रकार की इपिजेनेटिक टाइप का रेगुलेशन कर रहा है ना। तो इपिजेनेटिक टाइप का रेगुलेशन कैसे करता है वो, उसकी प्रोसेस कैसे होती है, इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा कि इसको भी लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए भी थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है ना। ये थ्री टाइप्स में कौन कौन है, और ये इन थ्री टाइप्स में भी डिफरेंट डिफरेंट इनके एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी अपन अच्छे से क्लियरली समझेंगे। तो ये प्रोसेस कैसे करता है, मतलब इसकी प्रोसेस कैसी होती है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए की, ये चीज़ हम समझते हैं। तो हम बात करें अगर लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए की प्रोसेस की, तो ये इपिजेनेटिक कंट्रोल करता है ना, किसके ऊपर, रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स के जरिए। मैंने आपको आगे बताया सबसे स्टार्टिंग में कि लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए 200 न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग होता है, एंड आफ्टर ये जो होता है डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। डबल स्टैंड फॉर्म में क्या करता है, ये किसी भी प्रोटीन से बाइंड होता है ना, और इन प्रोटीन को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीकॉम प्रोटीन, पॉलीकॉम प्रोटीन। और ये प्रोटीन से जाकर बाइंड करता है हमारे पास कौन, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए, और ये किसको या किसी का एक्टिवेशन करा रहा है या तो इनहिबिशन करा रहा है ना, किसको, रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स को, जिससे मतलब यहाँ पर एक्टिवेशन या रिप्रेशन हो रहा है, और इसी कारण जो भी आगे प्रोसेस प्रोसेस होती है। तो लॉन्ग नॉन कोडिंग हमारे आरएनए क्या है, क्या काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूरी क्लियर करी। अब इसके हम प्रोसेस क्लियर करते हैं कि ये कैसे है और कौन से प्रोटीन इसमें हेल्प करते हैं। अब बात करें इपिजेनेटिक कंट्रोल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन रिफर टू द रिप्रेशन ऑफ एक्टिवेशन, है ना, एक्टिवेशन का, एक्टिवेशन और रिप्रेशन टू टाइप की प्रोसेस कर रहा है, एंड दैट इज मेंटेन आफ्टर सेल रेप्लिकेट। और ये प्रोसेस कब हो रही है, पोस्ट ट्रांसलेशन हो रही है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन है ट्रांसलेशन, पोस्ट मतलब बाद में, एंड रिजल्ट फ्रॉम द डीएनए मिथाइलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन एंड द हिस्टोन मिथाइलेशन। तो मैंने ये चीज बताई, जहां पर हिस्टोन मिथाइलेशन होता है वहां पर क्या होता है, रिप्रेशन कॉज हो रहा है ना। रिप्रेशन कब हो रहा है, ये किसके प्रोसेस, रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू हमारे पास मिथाइलेशन है, एक्टिवेशन हो रहा है। रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स को कौन एक्टिवेट करा रहा है हमारे पास, पॉलीकॉम प्रोटीन प्लस लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। और लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए क्या है, ये 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है जिसके अंदर ओपन रीडिंग फ्रेम अब्सेंट है ना। और ये जो भी रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स है, ये मिथाइलेशन और जो भी एक्टिवेशन करा रहे हैं, मिथाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन, ये किस पे कराते हैं हमारे पास, CpG आइलैंड पर, CpG आइलैंड पर। CpG आइलैंड क्या है, प्रोमोटर बाइंडिंग साइट है, जहाँ से हमारे पास किसी भी प्रोसेस का इनिशिएशन हो रहा है ना। तो ये इनिशिएशन साइट्स होती है। तो आपको सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि एक एक चीज़। तो मिथाइलेशन जो होता है, मिथाइलेशन एरिया मैंने आपको बताया CpG आइलैंड्स पर होता है, CpG आइलैंड आइसलैंड पर होता है, जो कि प्रमोटर बाइंडिंग साइट होती है मेमल्स की, है ना। और ये मिथाइलेशन प्रोटीन MBDS मिथाइलेशन बाइंडिंग डोमेन दैट एसोसिएट विद हिस्टोन डीएसटाइलेज एंड इंक्लूडिंग द हाइपोएसिटाइलेशन, ये मैंने आपको बताया रिप्रेशन और एक्टिवेशन की प्रोसेस में, ये हाइपोएसिटाइलेशन और एसिटाइलेशन क्या होता है। एंड दिस H3K9, है ना। तो ये मैंने एक आपको चार्ट बताया था H3K9, इस पर क्या हो रहा था, मिथाइलेशन हो रहा था,
है ना, इसलिए मैंने बताया था मिथाइलेशन हो रहा था। और ये मिथाइलेशन कौन कराता है, एक क्रोमोडोमेन, क्रोमो डोमेन, और ये किस पर प्रेजेंट होता है, रीमॉडलिंग प्रोटीन पर, है ना, रीमॉडलिंग प्रोटीन। रीमॉडलिंग प्रोटीन कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया था, CHD है ना, NURD एंड CHD, ये रिप्रेशन को, रिप्रेशन के लिए मिथाइलेशन कराते हैं, है ना। मिथाइलेशन बोले तो हमारे पास क्या है, इनहिबिशन या रिप्रेशन। दिस क्रिएट अ बाइंडिंग साइट फॉर द हेटरोक्रोमेटिन एसोसिएटेड प्रोटीन, है ना, हेटरोक्रोमेटिन HP1 प्रोटीन के ऊपर, विच रिजल्ट इन द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। और इसका रिजल्ट क्या होता है, कंडेंस्ड होता है, और इसी कंडेंसन को क्या मैंने क्या बताया था, इपीजेनेटिक रेगुलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेशन। और इसको हम नेक्स्ट लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशन। एंड दिस पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन आर प्रीप्यूटेटेड फॉलोइंग क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन बिकॉज द मिथाइलेशन मिथाइलेटेड हिस्टोन आर एंड रेंडमली एसोसिएटेड विथ डॉटर DNA मॉलिक्यूल एंड एसोसिएटेड H3K9 मिथाइल ट्रांसफरेस, दैट मिथाइल हिस्टोन H3K9 रिजल्ट इन द ऑक्टामर एंड एज द ड्रग ऑन द ड्रग। मैंने आपको बताया है कि हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामरली प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्टामरली प्रेजेंट होने के कारण H3K9 पर जैसे ही हमारे पास मिथाइलेशन होता है, तो ये मिथाइलेशन क्या करते हैं, किसी भी हिस्टोन प्रोटीन को कॉम्पेक्शन कराने का काम करते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ मतलब अट्रैक्ट होते हैं। अभी अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, एक प्रकार का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जैसे ही DNA से हाईली कॉम्पैक्टेड बाइंडेड होता है, और इसकी बाइंडिंग के कारण हमारे जो भी एक्टिवेटिंग साइट्स है वो विजिबल नहीं होती। ये सारी चीज़ें मैंने आपको रिपीटेडली समझाई कि क्या, इसकी सारी प्रोसेस हमने समझी है। और मैंने बताया कि आपको कि ये सिंगली जो सिंगल अगर कभी हमारे पास लॉन्ग नॉन कोडिंग आ रहे हैं, तो ये प्रॉपरली एक्टिवेशन का काम नहीं करता है, मतलब प्रॉपरली प्रोसेस नहीं करता है, तो इसलिए इसको एक पॉलीकॉम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है। और ये पॉलीकॉम प्रोटीन जो होता है, ये कौन कौन से होते हैं, PRC1 पॉलीकॉम प्रोटीन या PRC2 प्रोटीन, जो कि हमेशा रिप्रेशन का काम करते हैं ना। और एक प्रोटीन होता है LNCR1, LNCD, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ये प्रोटीन, तो ये प्रोटीन जो है एक्टिवेशन का काम करता है ना। तो हमने मेनली क्या पढ़ा, अब हम बात करेंगे टाइप्स की। तो सबसे पहले मैंने आपको, मैं समरी बता देता हूँ कि समरी आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहली बात कि लॉन्ग नॉन कोडिंग RNAs क्या हो रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होने के साथ साथ क्या है, किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, है ना, नो प्रोटीन कोडिंग, किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते। अब कोड नहीं करने का कारण क्या है, ये किसको एक्टिवेट कर, ये किसको रिक्रूट कराते हैं, ये रिक्रूट कराते हैं, मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको बता देता हूँ। ये लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA प्रोटीन जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये टाइप्स को मैं आगे बताऊंगा, और ये टाइप्स के भी क्या है, एग्जाम्पल्स है, इनकी प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस बस करते हैं। अब नो जो भी लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA है, लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स की प्रोसेस को शो करते हैं, जो एक तो क्या करते हैं, रिप्रेशन कराते हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के कारण ये रिप्रेशन करा रहे हैं, और ये एक्टिवेशन भी करा रहे हैं। अगर हम रिप्रेशन की बात करें, तो रिप्रेशन के लिए PRC2 प्रोटीन, ये क्या है, पॉलीकॉम प्रोटीन है, पॉलीकॉम प्रोटीन है ना, पॉलीकॉम प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं हमारे पास कौन, लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA। और एक्टिवेशन प्रोटीन जो होते हैं हमारे पास, ये LNC ऐसा कुछ है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये प्रोटीन लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA के साथ बाइंड करके एक्टिवेशन की प्रोसेस में इसके फोल्डिंग करते हैं ना, इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग क्या होता है, रिलीज ऑफ हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन रिलीज होके क्या करते हैं, जैसे हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन इस टाइप से, ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर हमारे पास DNA हमारे पास रैप्ड है। अब जैसे ही हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन अलग हो जाएगा, तो ये DNA जो होता है इस टाइप से रैप्ड ही रहेगा, मतलब रैप्ड रिलीज हो जाएगा, ऐसे थोड़ा रिलैक्स हो गया, इससे हमारे पास ये हिस्टोन प्रोटीन ऐसा रिलैक्स हो गया। तो
तो अब ये जो है ये एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है, तो इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, इसके फोल्डिंग, इस प्रोसेस को। तो इसके फोल्डिंग होती है और रिलैक्सेशन होता है। अब जैसे ही रिलैक्सेशन होगा तो यहाँ पर एक्टिवेटिंग एंजाइम आकर बाइंड करेंगे और किसी भी प्रोसेस के लिए प्रोसेस का ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन कराएंगे ना। तो आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। रिप्रेशन की बात करें तो पॉलीकॉम प्रोटीन क्या कर रहे हैं, ईपी जेनेटिक रेगुलेशन करा रहे। अब ये कैसे हो रहा है कि ये क्या करते हैं, हिस्टोन टेल के ऊपर जो एन टर्मिनल हिस्टोन प्रोटीन है इसके ऊपर एन टर्मिनल टेल है, इसके ऊपर कोई भी या तो ये तो कौन बाइंड होगा, जो कि एक प्रकार का कॉम्पेक्शन या फिर हम एक्टिवेशन। कॉम्पेक्शन कौन से मतलब बताया आपको, कॉम्पेक्शन कौन कौन से प्रोटीन बताया मैंने आपको, NURD प्लस CHD, इनके पास कौन सी डोमेन प्रेजेंट होती है, क्रोमोडोमेन। और ये क्या कर रहे हैं, मिथाइलेशन भी करा रहे हैं या डी एसिटाइलेशन भी करा रहे हैं ना। अब एक्टिवेशन के लिए कौन कौन से प्रोटीन बताए मैंने आपको, ये एक्टिवेशन जो कि रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स है, इनको क्या बोल रहे हैं हम, रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स है ना। और इसको एक्टिवेट कौन कर रहे हैं रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स को, पॉली सॉरी इसको कौन कर रहे हैं, प्रोटीन पॉली कॉम प्रोटीन प्लस लॉन मोनो कोडिंग है ना, ये दोनों इनको एक्टिवेट एक्टिवेशन करा रहे हैं। और ये सारी प्रोसेस आगे हो रही है, इससे क्या हो रहा है, इनिबिशन या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्पेक्शन है ना। अब हम बात करें इसकी वाली एक्टिवेशन की, तो एक्टिवेशन के लिए GCN4 PKF प्रोटीन, ये क्या कर रहे हैं, इनके पास कौन सी डोमेन है, ब्रोमो डोमेन। और ये ब्रोमो डोमेन से क्या कर रहे हैं, एसिटाइलेशन करा रहे हैं। एसिटाइलेशन से ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिलैक्सेशन हो रहा है ना स्टोन का। तो ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी कि लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए कैसे प्रोसेस कर रहा है ना। अब ये क्या करता है, थ्री टाइप्स की प्रोसेस, थ्री टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स बोले तो कैसे कि फर्स्टली थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है, एक तो सिस इनएक्टिवेशन। सिस इनएक्टिवेशन मीन्स क्या होता है कि एक ही आरएनए पर ये प्रेजेंट है, सॉरी डीएनए पर, एक डीएनए पर प्रेजेंट है और उसी डीएनए को ही इनहिबिट कर रहा है। मतलब एक साइट प्रेजेंट या एक ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट है डीएनए पर जो खुद के इनहिबिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस इनएक्टिवेशन है ना। और ये प्रेजेंट ये किस में देखी जाती है, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इन द मेमल्स, किसमें, फीमेल में, फीमेल्स में। फीमेल्स में क्या होता है, 2X होते हैं और मेल में 1X होता है ना। तो इस जो भी ये एक्टिवेशन सिस इनएक्टिवेशन होता है, इसको हम मेनली एक भाषा में क्या बोलते हैं, डोसेज कंपनसेशन बोलते हैं, डोसेज कंपनसेशन। डोसेज कंपनसेशन में क्या होता है, इसमें जो होते हैं क्रोमोसोम की बैलेंसिंग होती है, क्रोमोसोम बैलेंसिंग हो रही है। क्रोमोसोम की बैलेंसिंग मींस यहाँ पर तो ओनली एक एक्स क्रोमोसोम है जो कि डिफरेंट पार्ट्स को कोड कर रहा है, यहाँ पर 2X क्रोमोसोम है, तो अगर 2X अगर जाते हैं तो ये तो एक कॉपी बन जाएंगी। तो इसमें से क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है इसमें कैसी साइट्स प्रेजेंट होती है जो कि खुद के इनएक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है, किसमें, फीमेल में। और यह एक्स क्रोमोसोम जो होता है आगे प्रोसेस में जाकर या तो एक्स के साथ में, मेल के एक्स के साथ में एक्टिव प्रोसेस करेंगे या तो मेल के वाई के साथ में। अगर ये मेल के एक्स के साथ में प्रोसेस करता है तो फीमेल फॉर्म होती है, और मेल के वाई के साथ में अगर प्रोसेस करता है तो मेल फॉर्म होता है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सिस इनएक्टिवेशन, या एक सिंपल भाषा में डोसेज कंपनसेशन है ना। तो ये इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, रेजिस्ट आरएनए। अब ये सिस इनएक्टिवेशन की प्रोसेस होती है, सिस इनएक्टिवेशन के एग्जाम्पल कौन से हैं हमारे पास, जिस्ट और T6 है ना, टू टाइप्स के आरएनए प्रेजेंट है। ट्रांस इनएक्टिवेशन, ट्रांस इनएक्टिवेशन में क्या होता है, एक क्रोमोसोम या एक डीएनए से जो किसी एक प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन होता है, और ये प्रोटीन जाकर दूसरे डीएनए के ऊपर बाइंड करता है और उसकी प्रोसेस को इनहिबिट करता है, प्रोसेस को इनहिबिट करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांस इनएक्टिवेशन। इसका एग्जांपल कौन सा है, ओटीआर आरएनए मेडिएटेड जीन इनएक्टिवेशन है ना। अब बात करें हम सिस एक्टिवेशन की, तो सिस एक्टिवेशन मींस
ये जो भी एग्जाम्पल्स है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए के एग्जाम्पल्स हैं, और इनकी प्रोसेस कैसी होती है, ये सारी प्रोसेस मैंने अभी आपको इस लेक्चर में पूरी प्रोसेस बताई कि ये कैसे प्रोसेस करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हैं, और आगे हम देखेंगे कि मतलब कैसे इनका एक्टिवेशन हो रहा है और कौन कौन से कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, ये चीज़ हम देखेंगे इनको एक एक को अच्छे से डिटेल में। सीस एक्टिवेशन, सीस एक्टिवेशन का एक एग्जाम्पल है हॉट टिप मेडिएटर आरएनए एक्टिवेशन, जो कि क्या करा रहा है, स्कैफोल्ड करा रहा है। स्कैफोल्ड मैंने आपको बताया अभी सारी प्रोसेस में, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ईपी जेनेटिक रेगुलेशन करा रहे हैं, ईपी जेनेटिक प्रोसेस करा रहे हैं, मतलब रिप्रेशन करा रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सारे तीनों प्रोसेस को एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आपको जो भी टॉपिक अगर समझना हो सी एस आई एंड नेट की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं वो टॉपिक को और अच्छे से आपको डिटेल में अपनी पर्सनल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और अभी लैंग्वेज में समझा के आपको एकदम कंफ्यूज नहीं करूँगा, शॉर्ट अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें एकदम पर्सनली अच्छे से समझ में आ जाए। तो ठीक है, मेरा लेक्चर यही में ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।